आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री नहीं मानी जाती। मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्रीज में, कम से कम 40 कंट्रीज ने बोल दिया है कि पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री इज नॉट वैलिड। आप डिग्री की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि इंडियन डॉक्टर्स आर ऑल्सो द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स इन मोस्ट कंट्रीज। मैंने सुना है कई कई कंट्रीज से पाकिस्तानी डॉक्टर्स को डिपोर्ट किया गया है क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। आजकल के दौर में ये नहीं देखी जाती कि आपका रिलीजन क्या है, आप अपने जो है ना वो मैटर्स देखते हैं जिससे आपको फायदा, आपकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचे। तो आप की सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का, लोग बोलते हैं रिलीजियस फनाटिसिज्म है, मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है। नंबर वन इज हिपोक्रेसी। इमरान खान साहब जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हंसी आती है। That is why I hate this word secularism and I keep saying this. हम secular नहीं है, हम दूसरों को झेलते नहीं है, हम दूसरों की इज्जत करते हैं क्योंकि हम इस ideology में believe करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार है, ये हमारी सनातनी वैल्यू है। इसी के बेस में आपको एक वीडियो दिखाऊंगी सर, जिसमें कश्मीरी बच्चों की एजुकेशन और स्कूल वगैरह के रिलेटेड जो है सारा कुछ है, उसको देखने के बाद आपने अपनी राय बतानी है हमारे व्यूवर्स को, ठीक है? ये भी तो देखिए ना कि आज कश्मीर में इतना कुछ डेवलप हो रहा है, इतना कुछ लग रहा है, वो कश्मीरी लोगों के लिए है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी इस्लामिक कंट्री की बात की जाए तो उनकी संख्या 53 है दोस्तों। उसमें से 40 ऐसे जो अरब कंट्रियां हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो मेडिकल डिग्री है उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री उन देशों में शून्य मानी जाती है और जो भी देश में जो पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स थे उनको वहाँ से भगा दिया गया है क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो रद्द हो चुकी है। दोस्तों अगर बात करें भारत की तो भारत की जो डॉक्टर हैं वो अधिकतर विदेशों में बड़े बड़े पोस्टों पे डॉक्टर के रूप में आपको मिल जाएंगे। वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को लोग पता नहीं किस नज़र से देख रहे हैं कि उनको जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ से उनको लताड़ दिया जाता है। एक तो उनका वीज़ा को एकदम जीरो महत्व मिलता है, ऊपर से दूसरी बार बात की जाए तो उनके अब डॉक्टरी जो उनकी जो डिग्री थी उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया पूरी तरह से। और दोस्तों पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो केवल बस कश्मीर की बात करके वो अपने देश को चलाना चाहते हैं, सोचते हैं कश्मीर मिल जाएगा तो मेरा देश सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं वो उनका साथ देना छोड़ दिए क्योंकि वो अपने रिलीजन को नहीं देखती हैं, वो केवल अपना फ़ायदा देखती हैं, वो जानती हैं कि किस देश के साथ हमारा फ़ायदा होने वाला है तो वो उसके साथ में जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो कश्मीर से निकलकर भारत के दूसरे सिटीज में भी जाते होंगे यकीनन, मैंने ये भी सुना था या कहीं पढ़ा था। वहाँ पे लोग बहुत खुश दिली के साथ बहुत वेलकम नहीं करते कश्मीर के स्टूडेंट्स को बाकी की सिटीज में, ऐसा एक दो जगह मैंने पढ़ा था। किस तरह से देखती है सबको? इस्लामाबाद में कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया हॉस्टल के इशू को लेके, वो नहीं पता आपको? लेकिन आपने कहाँ सुना कि कश्मीरी, वो एक आध कोई हादसा हुआ होगा वो भी 2-3 साल पहले, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी तो बाहर पढ़ी हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सो इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट आज तो ज्यादा ही तादाद में कश्मीरी जो यूथ है वो बाहर निकल रहे हैं स्टेट के पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। इनफैक्ट अगर ऐसी कोई बात होती तो ज्यादा तादाद में कश्मीर छोड़ के बाहर क्यों जाते, जबकि पाकिस्तान ने तो ऐलान भी किया था कि हम फ्री सीटें देंगे भाई, मेडिकल सीटें ये वो, मगर वहां नहीं जाते, वो फिर भी प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया जाकर पढ़ें क्योंकि उनको पता है कि वहां की डिग्री भी बेटर है और वहां उनको ट्रीटमेंट भी अच्छी मिलती है। भैया आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री नहीं मानी जाती। मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्रीज में, कम से कम 40 कंट्रीज ने बोल दिया है कि पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री इज नॉट वैलिड। आप डिग्री की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, वो पहले ढूंढेगा कि यार मुझे जाना है डॉक्टर के पास, देखते हैं कोई इंडियन डॉक्टर है क्या आसपास। इंडियन डॉक्टर्स आर ऑल्सो द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स इन मोस्ट कंट्रीज। मैंने सुना है कई कई कंट्रीज से पाकिस्तानी डॉक्टर्स को डिपोर्ट किया गया है क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में बोला जाता है कश्मीरीज आर जगुलर वेन, आई मीन समबडी शुड आस्क दीस पीपल हाउ आर यू सर्वाइविंग विदाउट अ जगुलर वेन, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। व्हाट डू आई से, द नैरेटिव इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थियोरी क्या है, तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी, हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी। टू नेशन थियोरी व्हाट इज इट? बेसिकली दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट शेयर कॉमन नेशनैलिटी इन अ नेशन विच डज नॉट हैव इस्लामिक डोमिनेंस। दिस इज व्हाट इट एग्जैक्टली सेज, कि जिस मुल्क में इस्लामिक डोमिनेंस नहीं है वहां की सिस्टम इज नॉट रन बाय मुस्लिम्स एट लार्ज, मुस्लिम्स कैन नॉट बी हैप्पी देयर।
Now, this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow, because we are pluralistic people. That is why I hate this word secularism, and I keep saying this. We are not secular at all. Secular ka matlab hota hai ki aapke paas tolerance hai dusre mazhab ko bhi jhelne ki. Hum secular nahi hai, hum dusron ko jhelte nahi hai, hum dusron ki izzat karte hai, kyunki hum is ideology mein believe karte hai ki ye jo puri duniya hai, ye ek parivar hai, ye hamari sanatani value hai. दरअसल ये जो बात है पाकिस्तान में की जा रही, आज ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाह रही है और सियासतदान डरते हैं अगर मैंने बात की तो मैं पॉलिटिकली कहीं लूज ना कर, तो आप इसको फिर किस एंगल से देखते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त तो ये कश्मीर या पाकिस्तान या रिलेशनशिप, दिस इज नॉट ऑन द टेबल टू बिगिन विद. सर्वाइवल इज ऑन द टेबल इस वक्त. सियासी सोच ही कोई नहीं है इस वक्त तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए. हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, कश्मीर माजी में 74 साल हमने कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है, हमने कश्मीर पे कारोबार किया, हमने कश्मीर के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने इससे पैसे बनाए हैं, और दोनों साइडों से हुआ. इस पे ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ इस साइड से हुआ. तारर साहब ने भी कहा दो तीन चीजें, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू डिसएग्री सर. एक चीज उन्होंने बोली कि कश्मीर को लेके जो है दोनों तरफ पैसा बनाते रहे हैं लोग. कश्मीर से टैक्स कलेक्शन इज नेग्लिजिबल. J&K का जो भी टैक्स आता है उसमें से 70% से ज्यादा टैक्स जम्मू से आता है. सो कश्मीर से आई डोंट सी हाउ इंडिया इज मेकिंग मनी ऑफ कश्मीर, बिकॉज इंडिया में तो एक लार्जली ये कंप्लेंट है कि देयर इज सो मच स्टेप मदरली ट्रीटमेंट अगेंस्ट जम्मू दैट ऑल द फंड्स फ्रॉम सेंटर, आई एम टॉकिंग ऑफ लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ क्रोर्स व्हिच आर बीइंग पुश्ड इनटू कश्मीर विद दिस नोशन दैट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू डी रेडिकलाइज दीज पीपल हु हैव जॉइंड टेररिस्ट रैंक्स. मुझे ये बताइएगा कि थ्रू मीडिया हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं कि कश्मीरियों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है. इसी के बेस में आपको एक वीडियो दिखाऊंगी सर, जिसमें कश्मीरी बच्चों की एजुकेशन और स्कूल वगैरह के रिलेटेड जो है सारा कुछ है. उसको देखने के बाद अपनी अपनी राय बतानी है हमारे व्यूवर्स को, ठीक है? आपको नहीं लगता है कि हम लोग ज्यादा ही कह देते हैं कि हिंदू लोग जो हैं बुरे हैं या हिंदू लोग ऐसे हैं, हिंदू लोग? वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अब देखें, कुछ चैनल्स प्रोपोगंडा खड़ा कर देते हैं जी इसके खिलाफ, मतलब कि हिंदू ने एक ये एक छोटी सी बात करी, मतलब उसके बैक एंड पे नहीं जाते उसने किस मतलब की बात की है. रियलिटी है, जो रिलेटिव चीज़ है उनको वो दिखाएं, ना कि मतलब गलत चीज़ मतलब कि हमारे पाकिस्तानियों भाइयों के दिमाग में जाए कि भाई उधर तो वो हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है. हुआ था जुल्म, नो डाउट, मगर अब कम. स्टार्ट की बात. हाँ जी, स्टार्ट की बात. अब तो काफी कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है. लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आज कश्मीर में इतना कुछ डेवलप हो रहा है, इतना कुछ लग रहा है, वो कश्मीरी लोगों के लिए है ना. देखिए, कश्मीरी लोगों के लिए किसी से आप किसी को आप सोने के पिंजरे में कैद कर दें लेकिन उसकी आजादी सल्व कर लें. आप ये भी तो देखें ना कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारे जो जितने भी चीज है कश्मीरियों के लिए सिर्फ आवाज उठाते, कुछ करते भी तो नहीं. 75 साल गुजर गया, कुछ किया? आप अब 70 साल एस्टेब्लिशमेंट भी है ना, वो उनकी रोजी रोटी लगी हुई है कश्मीर के नाम से. इस वजह से ना वो सिर्फ हमें जज्बाती नारों के तक रख रहे हैं. तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री को एकदम से जीरो कर दी गई, जो मेडिकल उनकी डिग्री थी उनको जीरो कर दी गई है, और जो पाकिस्तान के डॉक्टर दूसरे देशों में काम करते थे डॉक्टर के रूप में, वो उनको भी वहाँ से भगा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स की डिग्री एकदम से 40 अरब कंट्रियों ने, जो कि इस्लामिक कंट्रियाँ कही जाती है, जो पाकिस्तान की दोस्त कही जाती थी, वही उनको अब लात मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ में रहना उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं है. इसलिए अब सारी इस्लामिक कंट्रियाँ पाकिस्तान का साथ छोड़ रही है और भारत के साथ में तेज़ी से जुड़ रही है, क्योंकि वो अपने रिलीजन को ध्यान में न रख के वो केवल अपने फ़ायदे को, अपनी इकोनॉमी को देख के वो भारत के साथ में जुड़ रही है. और पाकिस्तान की इकनॉमी जिस तरह से जीरो हुई है, उसके साथ में जो भी इन्वेस्ट करने वाले लोग थे, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो उनका बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है. और जितनी भी इस्लामिक कंट्रियाँ थी वो भी अपना जो भी इन्वेस्ट की थी अब वहाँ से वो अपना उठा ले रही है सामान. इसी बात से पाकिस्तान को हमेशा जलन होती है कि आखिर में भारत के साथ में ये कंट्रियाँ क्यों जुड़ रही हैं, हमसे इतना दूर क्यों भाग रही हैं. तो बात इसका ज़रा सर ये है कि उसकी इकनॉमी इतनी जल्दी कम हो चुकी है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना यानी कि अपना पैसा डुबोदा है, इसलिए अब वहाँ पे कंट्री कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है. चीन है जो कि पाकिस्तान को पूरी तरह से लूटना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात उसको पल्ले नहीं पड़ती है. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं. दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय.